हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आपके जीवन में? दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं ममता, प्रियांशी, पूजा, करुणा, सुमन, प्रिया, रोशनी, समर और महजबीन फातिमा। आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों जैसा कि स्लाइड पे देख रहे हैं, अगर आप यूपीटीसी, पीएचटी, एलटी ग्रेड या यूपीएचएससी या झारखंड टीएचटी पीएचटी में इनरोल्ड होना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। 9125090515 and 7080825282 पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं और हमारे नए बैचेस चालू हुए हैं उनके बारे में। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए और आप खुद इनसे जज करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही होते हैं और लास्ट में आप अपना स्कोर शेयर करना जरूर करिएगा, मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, लता, बबीता, प्रगति, रवि, शिवम और आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो कह रहा है, राइट द नेम ऑफ सैली ड्रामा, सैली के उस ड्रामा का नाम बताइए विच इज डेडिकेटेड, जिसे उन्होंने डेडिकेट किया था। किसे उन्होंने डेडिकेट किया था? प्रिंस अलेक्जेंडर मैवरो को, डेट को इन्होंने, डेटो को उन्होंने डेडिकेट किया था। उनका ये कौन सा ड्रामा था? ऑप्शन ए द सेंसी, ऑप्शन बी हिलियास, ऑप्शन सी प्रोमेथियस अनबॉर्न एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यानी हार्डी का कौन सा ऐसा ड्रामा, सॉरी हार्डी नहीं, शैली का कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसको उन्होंने डेडिकेट किया था? प्रिंस अलेक्जेंडर और मैवरो को, डेटो को उन्होंने डेडिकेट किया था। ऑप्शन ए है द सेंसी, ऑप्शन बी हेलियास, ऑप्शन सी प्रोमेथियस अनबॉर्न। चलिए देखते हैं, काफी लोगों ने इसमें बी बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ सी बता रहे हैं। ज्यादातर लोगों का आंसर जो आ रहा है इसमें सी आ रहा है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। दोस्तों ये जो ड्रामा था जिसको सैली ने डेडिकेट किया था अलेक्जेंडर मैवरो को, डेटो को, वो है हमारा हेलियास। ये ड्रामा है और देखते हैं इसके बारे में। हेलियास इज सैली वर्स लिरिकल प्ले ड्रामा। ये कैसा ड्रामा है? लिरिकल ड्रामा है। इट इज रिटन इन 1821 और ये लिखा गया था 1821 में और इसे पब्लिश किया गया था वो हमारा 1822 में, इसे पब्लिश किया गया था। और ये जो ड्रामा है सैली का लिरिकल ड्रामा, इसे डेडिकेट किया था उन्होंने अपने एक्सीलेंसी प्रिंस अलेक्जेंडर मैवरो को, डेटो को उन्होंने इसे डेडिकेट किया था। और इट इज द आउटकम, और ये रिजल्ट था किसका? आउटकम ऑफ ग्रीक रेवोल्यूशन, और ये ग्रीक रेवोल्यूशन का परिणाम था किसके खिलाफ? अगेंस्ट द तुर्किश एम्पायर, यानी जो तुर्किश एम्पायर था उसके खिलाफ, ये कह सकते हैं हम ग्रीक रेवोल्यूशन जो था वो उसी चीज का ये परिणाम था। और इट इज सेट इन कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये जो ड्रामा है जो दिखाया जाता है ये कहाँ पे स्थित है? कॉन्स्टेंटिनोपल की बात इसमें की गई है। तो ये हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन सभी देखिए और आप ये जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए, इसमें अपना जो स्कोर है वो जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, इन विच गर्ल्स वर्दी ड्रामा ए कैरेक्टर डेविड रॉबर्ट हु इज द लीडर ऑफ मेंस कमिटी आइडेंटिफाई द ड्रामा। एक जॉन गर्ल्स वर्दी का वो है, क्या कह सकते हैं उसे, नॉवेल है और उस नॉवेल में एक कैरेक्टर है डेविड रॉबर्ट। अब बताइए वो जो डेविड रॉबर्ट कैरेक्टर है जो लीडर होता है मेंस कम्युनिटी का, वो किसमें है? ऑप्शन ए लॉयलिटीज, ऑप्शन बी द सिल्वर बॉक्स, ऑप्शन सी जस्टिस एंड ऑप्शन डी जो है हमारा स्ट्राइफ। तो जल्दी से इसमें कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, ये किस,
ये जो कैरेक्टर है डेविड रॉबर्ट ये किसमें है, चलिए देखते हैं इसमें कुछ लोगों के आंसर, ज्यादातर लोगों के आंसर इसमें डी आ रहे हैं देखने को, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, आइए देखा जाता है इसके बारे में। दोस्तों ये जो वर्क था हमारा, जो ड्रामा था, वो ड्रामा जो थे हमारे, वो है हमारा स्ट्राइफ। क्या है? स्ट्राइफ वर्क है। और ये ड्रामा है, क्या है ये? थ्री एक्ट प्ले, तीन एक्ट ड्रामा है, जैसे कि मैंने बताया उसमें और भी जो थे लॉयल्टी वो सब के ड्रामा कहे जाते हैं। और ये किसके द्वारा लिखे गए? ये गेल्स वर्दी के द्वारा लिखा गया है। इट शो, और ये दिखाता है ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक द्वंद को दिखाता है। किसमें जो द्वंद होता है, कॉन्फ्लिक्ट जिसे दिखाया गया है, वो दिखाया गया है कैपिटलिस्ट यानी जो बड़ी लोग होते हैं, एंड दो वर्किंग क्लास यानी जो वर्किंग क्लास होती है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है इस वर्क में, स्ट्राइफ में। द चीफ प्रोटागोनिस्ट आर टू, और इसमें जो प्रोटागोनिस्ट हैं दो हैं वो, एक का नाम है डेविड रॉबर्ट और जो लीडर होता है किसका, मेंस कमेटी का, और दूसरा जो है हमारा वो है जॉन एन थोनी, वो होता है चेयरमैन होता है, और वो चेयरमैन होता है एक कंपनी का जिसका नाम होता है त्रिनेथा टिन प्लेट वर्क्स, इसी में वो इसका चेयरमैन होता है। तो यहाँ हमारा डी विल बी द राइट आंसर, ये हमारा जो स्ट्राइफ है ये इसका राइट आंसर है, और ये सभी हमारे क्या थे, ड्रामा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है नेम ऑफ द हार्डी फर्स्ट नॉवेल दैट बियर्स हिज नेम एंड डिड नॉट पब्लिश एनोनिमसली इन विक्टोरियन एरा, यानी हार्डी के उस पहले नॉवेल का नाम बताइए जो उनके नाम से पब्लिश हुआ था और जिसे क्या कहते हैं गुमनाम तरीके से नहीं पब्लिश किया गया था। हार्डी का वो कौन सा ऐसा नॉवेल है? ऑप्शन ए डिस्परेट रेमेडीज, ऑप्शन बी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, एंड ऑप्शन सी ए पेयर ऑफ ब्लू आईज, एंड ऑप्शन डी जो है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो जल्दी से इसमें कमेंट करके आप बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसे जो है हार्डी के नाम से ही पब्लिश किया गया था, यानी उसमें उसे बताया गया था कि ये नॉवेल किसका है। आइए देखते हैं, इसमें ज्यादातर लोगों के आंसर सी आ रहे हैं, आइए देखा जाता है। ये दोस्तों ये जो नॉवेल था ये था ए पेयर ऑफ ब्लू आईज, ये इनका नॉवेल था, और ये आया था कब, 1873 में आया था। हार्डी थर्ड नॉवेल है, तो ये इनका तीसरा नॉवेल, लेकिन ये पहला नॉवेल इनका था जो किससे, जो इनके नाम के साथ पब्लिश हुआ था, यानी जिसमें बताया गया था कि ये हार्डी के द्वारा लिखा गया है, ये पहला नॉवेल कहा जाता है। और द अदर टू नॉवेल्स जैसे कि हम कह सकते हैं डिस्परेट रेमेडीज, ये आया था 1871 में, और दूसरा जो दिया गया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये आता है हमारा 1872 में, और ये पब्लिश्ड होते हैं दोनों गुमनाम, यानी इनका कोई नाम नहीं होता है, किसी भी पब्लिशर का नाम इसमें नहीं दिया रहता है उसमें, ये उस तरीके से पब्लिश होते हैं, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया ये हमें नहीं बताया गया रहता है इसमें, लेकिन इसमें जो है ये बताया गया था कि ये ए पेयर ऑफ ब्लू आईज, ये हार्डी का नॉवेल है। और दी द सीन ऑफ द स्टोरी इस, और ये इसमें जो देखते हैं ये जो प्ले, ये जो नॉवेल दिया गया है इसमें एक ये जो सीन दिखाया गया है नॉर्थन कोस्ट ऑफ क्रॉनवाल का सीन दिखाया गया है, और इसमें एक कैरेक्टर होता है स्टीफन स्मिथ, जिसमें एक इज ए यंग आर्किटेक्ट रहता है जो, और उसका जो अफेयर होता है फॉल इन लव इल्फ्राइट स्वानकोट से उसका लव अफेयर होता है, इसकी बात ये करता है। और जब बात करते हैं अगले नॉवेल की द रिटर्न ऑफ नेटिव, तो ये आता है हमारा 1878 में ये नॉवेल आया था, तो यहाँ सी विल बी द राइट आंसर, ये वही नो, ये जो हमारा नॉवेल है ए पेयर ऑफ ब्लू आईज, ये जो है हार्डी के नाम के साथ पब्लिश्ड हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है इन विच बुक्स ऑफ पैराडाइज लास्ट जो आई थी पब्लिश हुई थी 1667 में, मिल्टन टेल्स, मिल्टन किस बुक में बताता है पैराडाइज लास्ट की,
temptation, disobedience by Adam and Eve regarding the knowledge of tree. यानी किसमें बताता है वो प्रलोभन के बारे में, और बताता है किसमें वो डिसओबीडियंस कि मतलब आज्ञा जो नहीं मानी गई थी एडम और ईव के बारे में कि उस नॉलेज ऑफ ट्री को तुम्हें नहीं खाना है, तो उसके बारे में किस बुक में बताया गया है पैराडाइज लॉस्ट की? ऑप्शन ए बुक नंबर 6, ऑप्शन बी बुक नंबर 7, ऑप्शन सी बुक नंबर 8 एंड ऑप्शन डी बुक नंबर 9. तो जल्दी से इसमें कमेंट करके आप बताइए कि ये किस बुक में नहीं दिखाया गया है. चलिए देखते हैं काफी लोग, क्या सभी लोग इसके आंसर डी दे रहे हैं? आइए देखा जाता है इसको. दोस्तों जो पैराडाइज लॉस्ट था ये आया था हमारा 1667 में, और ये इपिक है एक, और लिखा किसमें गया है, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और ये डिवाइडेड है 12 बुक्स में से डिवाइड है, और इसकी बुक नंबर जो हमारी 6 है उसमें दिखाया गया रफेल टेस्ट द स्टोरी ऑफ रिवोल्ट, उसमें रिवोल्ट की स्टोरी को बताता है रफेल. और जो बुक नंबर 7 है उसमें बताता है स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, कैसे इस संसार का निर्माण हुआ इसके बारे में बताया जाता है, एंड नरेटेड टू एडम एंड एडम और ईव को कैसे नरेट किया जाता है बताया गया है कि किसके द्वारा, रफेल के द्वारा कैसे उसे बताया गया एडम और ईव को, ये स्टोरी को बताता है कैसे इस संसार का निर्माण हुआ है. और बुक नंबर 8 जो है उसमें एडम नरेट हिज स्टोरी, एडम जो है वो नरेट करता है अपनी कहानी को, और किसके साथ, ईव टू रफेल, रफेल के साथ वो बताता है, यानी वो बताता है रफेल के को स्टोरी के बारे में बताता है. और जो लास्ट बुक है बुक नंबर 9 है वो बात करती है टेम्पटेशन प्रलोभन की, डिसओबीडियंस यानी आज्ञा न मानना, जो एडम और ईव के द्वारा जो आज्ञा नहीं मानी जाती है कि उसे नॉलेज ऑफ ट्री का फ्रूट नहीं खाना चाहिए था, वो दिया गया है बुक नंबर 9 में. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर डी है, डी विल बी द राइट आंसर होगा. आगे दिया गया है वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स वन डेट द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन दी गई है कि वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, दो संसारों के बीच में टहलते हुए, वन डेट एक तो खत्म हो चुका है, द अदर और दूसरा क्या है, दूसरा जो पावरलेस है वो क्या है, वो उसका जन्म होने वाला है, यानी वो शक्तिहीन जो है, दूसरा जो है वो शक्तिहीन है, उसमें शक्ति नहीं. ऑप्शन कहता है इस समर नाइट, ऑप्शन बी स्टैंजर्स फ्रॉम द ग्रैंड चार्टोस, और ऑप्शन सी है मेमोरियल वर्सेस, ऑप्शन डी सोहराब एंड रुस्तम. तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए 5 का कौन सा ऑप्शन है. चलिए देखते हैं, काफी लोग इसमें डी बता रहे हैं, कुछ लोगों ने सी बताया है, आइए देखा जाता है इसको. दोस्तों ये जो लाइन दी गई थी वहां पे कि वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वर्ड्स मैन वन डेट द अदर पावरलेस टू बी बोर्न, ये लाइन है हमारी किसमें, स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रियस से ली गई है, और ये अर्नोल्ड की एक मेलेंकोलिक पोएट है, यानी काफी दुखांत कविता है, और ये लिखी गई थी 1852 में, इसे लिखा गया था, और कहाँ पे, कब लिखी गई थी, आफ्टर द पोएट्स हनीमून, जो हमारे ये पोएट थे इसके अर्नोल्ड, इनके हनीमून के बाद लिखी गई थी. और ये कहाँ करते हैं, इसके बाद कहाँ विजिट करते हैं, कहाँ पे, एक प्लेस है चार्ट्रियस, वहाँ ये विजिट करते हैं, उसके बाद ही ये पोएम लिखी गई थी इनके हनीमून के बाद. द पोएम कंटेन्स, और ये जो पोएम है ये दिखाती है इस मेमोरेबल लाइन को कि वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, मैं ये यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ इतना ही लाइन है वन डेट द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, ये लाइन हमारे इससे ली गई है, यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर. चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा फॉर विच वर्क हेनरी लुईस, हेनरी लॉस रिक्वेस्टेड मिल्टन
किस वर्क के लिए हेनरी लॉस ने रिक्वेस्ट की थी मिल्टन को टू राइट इट, उसे वो लिखें, आइडेंटिफाई द वर्क, वो वर्क कौन सा है? ऑप्शन ए है सैमसन एगोनिस्ट, ऑप्शन बी कैमस, एंड ऑप्शन सी है आर्केड्स द आर्केड्स, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। हेनरी लोवेल ने किसके किस वर्क के लिए रिक्वेस्ट की थी मिल्टन से कि वो उस वर्क को लिखे। आइए देखते हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा आइए देखा जाता है। दोस्तों एक वर्क आया था कैमस और ये आया था हमारा 1634 में, और मिल्टन का मास या मस कह सकते हैं, जैसे कि एक देखते हैं हम तमाशा जिसे कह सकते हैं, अगर जिसको तमाशा कहा जा सकता है, वो भी एक हंसी मजाक के लिए ही था, इसकी बात करता है। और इसे हेनरी लॉस ने रिक्वेस्ट किया था मिल्टन को लिखने के लिए, और इसका जो सब टाइटल है वो है द ट्रिम्फ ऑफ वर्चू, ये सब टाइटल है, और इट इज ए मास इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। चेस्टिटी मतलब क्या होता है कमेंट करके बताइए, ये एक सम्मान है, चेस्टिटी मतलब पवित्रता के बारे में इसमें दिखाया गया है। द पोएम इज ए विक्ट्री ऑफ वर्चू अपॉन वाइस, ये पोएम जो है दिखाती है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसी के बारे में इसमें बताया गया। और ये जो पोएम है, ये जो वर्क है, ये स्टोरी को दिखाता है, टू ब्रदर्स और उनकी जो सिस्टर्स होती है उसकी कहानी को ये बताता है, और हाँ टोटली इंटरटेनमेंट के लिए ही ये है कह सकते हैं। तो इसका बी विल बी द राइट आंसर होगा, इसी वर्क के लिए जो है हेनरी लॉस ने कहा था मिल्टन को लिखने के लिए। अगला वर्क देखते हैं, करा एमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर, आइडेंटिफाई द पोएम विच इज कम्पोज बाय वर्ड्सवर्थ, के द्वारा ये कंपोज की गई थी पोएम, और ये किस पोएम की लाइन है? ऑप्शन ए स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ऑप्शन बी आई ट्रेवल्ड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन, ऑप्शन सी सी ड्वेल्ट द अनट्रोडन वे, एंड ऑप्शन डी है थ्री ईयर सी ग्रो। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि एमंग दाई माउंटेन यानी तुम्हारे माउंटेन के बीचों बीच में पहाड़ों में आई फील द जॉय ऑफ माई डियर, मैं महसूस करता हूँ अपना आनंद को महसूस करता हूँ अपनी इच्छाओं के, तो कौन सी है ये इसमें कमेंट करके बताइए किस पोएम की ये लाइन है। और ये सभी हमारी जो लूसी पोएम की सीरीज आती है उसमें की ही ये पोएमें हैं, जल्दी से बताइए। चलिए आइए देखते हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं और कुछ लोग डी बता रहे हैं, आइए देखे जाते हैं। दोस्तों बी जो पोयम थी आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन, ये जो लाइन दी गई थी एमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर, ये इसी पोयम की लाइन है। और देखते हैं इस पोयम के बारे में, लूसी पोयम सीरीज की ये एक पोयम थी और ये लिखी गई थी, इट इज रिटन अर्ली 1790 में इसे लिखा गया था, द पोएट हैज ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन, और जो पोएट था वो यात्रा करता है उन आदमियों के बीचों में जिसे वो नहीं जानता है, और ही डिक्लेयर और वो डिसाइड करता है दैट कि ही विल नेवर लीव इंग्लैंड, वह इंग्लैंड को कभी नहीं छोड़ेगा, ही विल नॉट लीव, वह इंग्लैंड को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बिकॉज लूसी लिव्स हियर, क्योंकि वहां पे लूसी रहती है। तो ये इसी में की लाइन है, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन। तो ये तो चार पोएम थी जो हमने पीछे दिखाए, और उसकी जो पांचवी पोएम है वो है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी पांच पोएम की ये सीरीज थी लूसी की, उसी में की जो ये पोएम है आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन, ये इसमें की लाइन है। तो बी विल बी द राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, जो दिया गया है इसमें वो है हमारा, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर शो द होवेल सीन टेल द नेम ऑफ दैट प्ले,
विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में होवेल सीन आता है? ऑप्शन ए हेमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी किंग लियर एंड ऑप्शन डी मैकबेथ। तो कमेंट करके जल्दी से आप बताइए कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में द होवेल सीन आता है। जल्दी से इसमें कमेंट करके आप बताइए कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में होवेल सीन आता है। आइए, कुछ लोग ए बता रहे हैं और चलिए देखते हैं, काफी लोगों ने ए और बी बताया। ए लोगों की, बताने वाले लोगों की संख्या ज्यादा, यानी हेमलेट को ज्यादा लोगों ने बताया। आइए देखते हैं, लेकिन यहां पर हमारा ए नहीं सही है, हमारा जो इसमें सही है वो है किंग लियर, सी ऑप्शन सही था। इन द प्ले किंग लियर, जो कि आता है कब, 1605 एंड 6, और ये जो सीन आता है देखने को हॉवेल सीन, ये एक्ट थर्ड सीन 4 की बात करता है। द हॉवेल सीन, हॉवेल मतलब होता है एक झोपड़ी कह सकते हैं, और कह रहा है केंट डायरेक्ट लियर टू ए हॉवेल फॉर शेल्टर। इसमें जो केंट होती है वो ले जाती है किंग लियर को आश्रय देने के लिए एक झोपड़ी में, लेकिन क्या होता है, द किंग रिफ्यूज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टॉर्म। लेकिन जो किंग होता है वो मना कर देता है अपने आप को उस तूफान से बचने के लिए, वहां पे रुकने के लिए उससे मना कर देता है। तो वहीं पे जो ये हॉवेल सीन है वो आता है, और ये आता है हमारा किंग लियर में। तो सी विल बी द राइट आंसर इसका होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर टेमोरा इज ए विलेन, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में एक कैरेक्टर है टेमोरा, ये विलेन है। ऑप्शन ए है कैम्बेलिन, ऑप्शन बी टीटस एंड्रोनिकस, ऑप्शन सी है द टेम्पेस्ट एंड ऑप्शन डी रिचर्ड थर्ड। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो टेमोरा है ये किस प्ले में विलियम शेक्सपियर के विलन है। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ये विलन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं, काफी लोगों ने इसका बी आंसर दिया है, देखा जाता है। दोस्तों, जो उनका विलियम शेक्सपियर का प्ले है टीटस एंड्रोनिकस, उसी में ये विलन होता है हमारा टेमोरा। और कैम्बेलिन की बात करते हैं, इसमें जो विलन है हमारा वो है लैचिमो, विलन है ये कैम्बेलिन का है। और जब टेम्पेस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो विलन होता है वो होता है कैलिबन, और रिचर्ड थर्ड का जो प्ले था इसमें अगर हम विलन को देखते हैं तो उसमें रिचर्ड थर्ड ही हमारा जो होता है वो विलन का कार्य करता है। तो टेमोरा जो है वो हमारा ट्रीटस एंड्रोनिकस का विलन होता है। तो बी विल बी द राइट आंसर होगा इसका। आगे देखिए, कह रहा ओथो द ग्रेट ट्रेजेडी इन 5 acts इज कीट्स वर्स्ट प्ले, इट इज रिटन इन कोलेबोरेशन विथ हिज। इनकी एक ट्रेजेडी थी कीट्स की, और वो लिखी गई है कोलेबोरेशन में। अब बताइए वो किसके साथ कोलेबोरेशन वर्क है और किसके साथ लिखा था उसे ने, उसको हमारे कीट साहब ने। ऑप्शन ए हेनरी लॉस, ऑप्शन बी एलिस स्पेंसर एंड ऑप्शन सी है चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये ओथो द ग्रेट जो ये ट्रेजेडी है जॉन कीट्स की, इसको उन्होंने किसके साथ, ये इनका कोलैबोरेटिव वर्क है, किसके साथ उन्होंने इसे लिखा था। चलिए देखते हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में डाउट है दोनों को, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया है।
ये उन्होंने दूसरा वर्क लिखा था कोलैबोरेशन में, इसका जो सही होगा उसे देखते हैं आइए हम, वो है दोस्तों हमारा चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ इन्होंने ये जो इनका वर्क था ओथो ट्रेजेडी थी इसको इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था। तो सी विल बी द राइट आंसर। और ये क्या है, ये 5 एक्ट है इस ट्रेजेडी में और ये वर्स प्ले है यानी वर्स में लिखा गया है। और इट इज रिटन इन कोलैबोरेशन विद हिज फ्रेंड, इनके मित्र थे चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन और ये लिखा गया था 1890 में, ये 19 में लिखा गया था और इन्हीं के साथ ये वर्क लिखा गया था। और यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम, करा पीस पीस ही इज नॉट डेड, ही डॉट नॉट स्लीप, ही हैड अवेकेंड फ्रॉम द ड्रीम ऑफ लाइफ, करा शांति शांति ही इज नॉट डेड, वो समाप्त नहीं हुआ है, ही डज नॉट स्लीप और ना ही वह सोया है, ही हैज अवेकेंड बल्कि वो क्या कर रहा है, जाग रहा है, कहाँ पे, फ्रॉम द ड्रीम ऑफ लाइफ, सपनों की दुनिया में। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन किसमें से ली गई है, ऑप्शन ए टू अ स्काइलार, ऑप्शन बी एडोनिस, ऑप्शन सी ओ टू द वेस्ट विंड एंड ऑप्शन डी है इलेमेंट। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये किसमें से ली गई है, किस वर्क से, पोएम से इसे लिया गया है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए इसमें किस वर्क से ली गई है ये। कि किस वर्क से ये ली गई है, जल्दी से कमेंट करके इसको आप बताइए। आइए देखते हैं, काफी लोगों ने इसका आंसर बी दिया है और डी दिया है, 11 का बी। आइए देखते हैं क्या होगा इसका। दोस्तों ये जो पोयम थी एडोनिस थी, क्या नाम है इसका, एडोनिस, और कह रहा है पीस पीस ही इज नॉट डेड, ही डॉट नॉट स्लीप, ही हैज अवेकेंड फ्रॉम द ड्रीम ऑफ लाइफ। तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइन है एडोनिस सी। आइए थोड़ा सा जानते हैं एडोनिस के बारे में। कह रहा है एडोनिस इज सैली पेस्टोरल एलजी, और ये क्या है, ये एक पेस्टोरल एलजी है यानी इसमें सेफर्ड की बात करता है, इसमें नेचुरल चीजों की बात की गई है, नेचुरल सीनरी को दिखाया गया है। और कब लिखी, किस पे लिखी गई है, ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, और ये कीट्स की डेथ पे लिखी गई है। ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में कि जो ये पेस्टोरल एलजी है एडोनिस, ये किसकी डेथ पे लिखी गई है, तो हमारा आंसर होता है कीट्स की डेथ पे लिखी गई है। और इट इज रिटन इन, कब लिखी गई, 1821 में इसे लिखा गया था। और ये कहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन, ये जो पोएम है ये किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन ग्रीक पेस्टोरल एलजी पे, और वो किसकी थी, पेस्टोरल एलजी द बियोंस, एक वो थे पोएट थे, उनका एक वर्क था लेमेंट्स फॉर एडोनिस, उस पे आधारित है यानी वहां पे ये उससे जो है इसे अडॉप्ट किया गया है। और दूसरा जो है मोशियंस की एक पोएम थी, एक वर्क था लेमेंट फॉर बियॉन्ड, इन दोनों वर्कों से ये अडॉप्टेड है यानी इन दोनों वर्कों से काफी इन्फ्लुएंस्ड ये पोएम है। और इसे जो लिखा गया है वो हमारे पीवी शैली के द्वारा लिखा गया। तो बी विल बी द राइट आंसर इसका हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा राइट द नेम ऑफ इलियट्स पोएम, इलियट के उस पोएम का नाम बताइए, इट इज इन 4 पार्ट, जो 4 पार्ट में है, विच आर इन रेगुलर, और लिखी गई है इन रेगुलर मीटर में, रिटन इन वर्स, यानी वर्स में तो लिखी गई है लेकिन इन रेगुलर मीटर में लिखी गई है, और इंक्लूड, और वो पोएम आती है किसमें, इनका जो कलेक्शन आता है पोएम का, प्रूफ ऑफ एंड द अदर ऑब्जर्वेशन, ये कलेक्शन आता है और ये आता है 1917 में, इसी में ये पोएम आती है। और इस पोएम में जो है यूज किया गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब बताइए कौन सी पोएम है, ऑप्शन ए है ग्रेनोशन, ऑप्शन बी है प्रिल्यूड्स, ऑप्शन सी द वेस्टलैंड, और ऑप्शन डी एज वेडनेसडे।
जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें 12 का डी बता रहे हैं कुछ लोग बी बता रहे हैं। आइए देखते हैं, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। आइए देखते हैं इसके आंसर क्या होगा। दोस्तों, ये जो टीएस इलियट की पोएम थी वो थी हमारी प्रिल्यूड। आप जानते हैं प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है, लेकिन टीएस इलियट ने भी प्रिल्यूड लिखी है। और प्रिल्यूड जो है ये इलियट की पोएम है और इट कंटेन्स 54 लाइन, इसमें जो है 54 लाइन्स हैं। इट इज इन फोर पार्ट और ये चार पार्ट में है डिवाइड, और जो मीटर है उसमें इन रेगुलर मीटर में है। और इट इज रिटन इन वर्स और ये लिखी है एक वर्स में, यानी पोएट्रिक तरीके से लिखी गई है। इट इंक्लूड्स और ये आती है जो इनका कलेक्शन कलेक्शन आता है पोएम का उसमें ये आती है, दिया गया है प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1970 में आती है इनकी ये पोएम, उसी में ये देखने को हमें मिलती है। और इलियट यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज किए है इस पोएम में, प्रिल्यूड में। और दिस पोएम इज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन एक्सपीरियंस, ये पोएम जो है एक सीरीज को दिखाती है जो उनका अर्बन एक्सपीरियंस था उसकी बात करती है। तो इसका जो बी है हमारा, बी विल बी द राइट आंसर इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा आई विल किस थाय लिप्स हैप्पली सम पॉइजन येट डज हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विद ए रिस्टोरेटिव, हु स्पीक्स दिस वर्ड इन द शेक्सपियर ड्रामा। शेक्सपियर के ड्रामा में ये कौन बोलता है ये लाइनें? ऑप्शन ए जूलियट, ऑप्शन बी पोर्सिया एंड ऑप्शन सी कैलिफोर्निया एंड डी जो है नन ऑफ दीज। तो कमेंट करके बताइए कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइनें बोली जाती हैं कि आई विल किस थाय लिप्स हैप्पली सम पॉइजन येट डज हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विद ए रिस्टोरेटिव, किस वर्क की ये लाइनें हैं? चलिए देखते हैं, काफी लोगों का आंसर इसमें ए आ रहा है। आइए इसे देखा जाता है। इसका आंसर काफी लोगों ने सही दिया। ये जो लाइनें बोली गई थी ये बोली गई थी जूलियट के द्वारा, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा रोमियो और जूलियट जो विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजडी है, और ये ट्रेजडी जो है लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1597 में शेक्सपियर अर्ली, मतलब उनके शुरुआती कैरियर के समय ये लिखी गई थी। और ये जो स्टोरी है इसकी, दो यंग इटालियन स्टार क्रॉस्ड लवर की कहानी है। इसमें एक रोमियो है एक जूलियट है और उनकी दोनों की डेथ हो जाती है, और दिखाया गया कि कैसे जो उनकी दोनों फैमिलियां होती हैं वो उनकी डेथ के बाद अल्टीमेटली अंत में रिकॉन्सिल दियर फ्यूडिंग फैमिली, जो उनकी फैमिलियां होती हैं वो कैसे आप लास्ट में, यानी जब दोनों खत्म हो जाते हैं तो इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी के बारे में ये बताया गया है। और ये यहाँ पर ए विल बी द राइट आंसर जूलियट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया गया हमारा कह रहा है वी नो वट वी आर बट वी नो नॉट, लेकिन हम नहीं जानते वट वी मे बी, हु स्पीक्स, ये काफी फेमस लाइन है और ये किसके द्वारा बोली जाती है आप कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन ए ओफेलिया, ऑप्शन बी वायला, ऑप्शन सी क्वीन ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्शन डी रोजालेंट। ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है कि वी नो वट वी आर बट नॉट नो नॉट वट आर वट वी मे बी, ये किसके द्वारा बोली जाती है? जल्दी से इसे कमेंट करके आप बताइए। काफी फेमस लाइन है। अरे कुछ लोग इसमें डी बता रहे हैं ज्यादातर लोग। आइए देखते हैं इसको, कुछ लोगों ने ए बताया, कुछ लोगों ने डी बताया। आइए देखते हैं क्या होगा इसके आंसर। दोस्तों, ये जो लाइन बोली गई थी कि क्या हम हैं और क्या हम हो सकते हैं, ये हमारा बोली गई थी ओफेलिया के द्वारा। और ओफेलिया जो हमारा
कैरेक्टर है इसमें हैमलेट में, जो कि विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है और इसकी बिलेवेड होती है हैमलेट की, और उसी के द्वारा ये बोला जाता है कि वी नो व्हाट वी आर बट वी नो नॉट व्हाट वी मे बी इज कोटेड दैट फीचर इन एक्ट, किसमें बोली जाती है, एक्ट फोर में और सीन फाइव में ये लाइन बोली जाती है, और इसे इसके द्वारा ओफिलिया के द्वारा बोला जाता है, और द क्वेट इज कॉमनली साइड, और ये जो लाइनें बोली गई हैं इसे इस तरह उद्धृत किया जाता है कि जैसे ये दिखाती है कि उसके पागलपन को दिखाती है, मैडनेस को दिखाती है, इस विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में दिखाती है ये लाइनें। तो इसका ए विल बी द राइट आंसर होगा आपका। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अगला वर्क दिया गया है इसमें, ये तो आप काफ़ी सुने भी होंगे, विशाल भरद्वाज का नाम, ये हमारे क्या हैं, डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, क्या विशाल भरद्वाज मूवी मकबूल, इन्होंने एक मूवी बनाई थी इसका नाम था मकबूल, इज द एडाप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का एडाप्टेशन है विशाल भरद्वाज द्वारा बनाई गई जो मूवी है मकबूल। ऑप्शन ए है हैमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, एंड ऑप्शन सी मैकबेथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, इसको आप जानते होंगे, कमेंट करके जल्दी से बताइए। अरे इसमें भी एक लोग ए बता रहे हैं, रूबी सिंह ए बता रहे हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। बाकी ज़्यादातर लोगों ने इसके आंसर सही दिए हैं, देखते हैं आइए क्या होता है। इसमें जो मकबूल मूवी है विशाल भरद्वाज के द्वारा जिसे बनाया गया है, वो है हमारी मैकबेथ का एडाप्टेशन है, यानी मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर का प्ले था उसी का एडाप्टेशन है, जो विशाल भरद्वाज के द्वारा 2004 में मूवी जो उनकी रिलीज हुई थी मकबूल। और ओथेलो की बात करते हैं, तो ओथेलो पे जो एडाप्टेशन मूवी बनी है वो है ओंकारा, और ये आई थी 2006 में आई थी। और हैमलेट की बात करते हैं तो ये तो अभी 2014 में आई थी हैदर, ये इससे मूवी बनी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम विच वॉज बेस्ड ए रिवोल्यूशनरी थीम, जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है वो एक रिवोल्यूशनरी थीम से डील करता है, और केम आउट, और वो कब आया था ये वर्क, ये वर्क जो आता है हमारा वो आता है जनवरी 1880 में आया था, और इट वॉज रिटन इन, लिखा गया है इसे स्पेंसरियन स्टैंजा, यानी 9 लाइनों में लिखा गया है, और द ओरिजिनल टाइटल ऑफ बुक, और इस बुक का ओरिजिनल टाइटल क्या था कमेंट करके आप बताइए। ऑप्शन ए है लोन एंड सिंथना, ऑप्शन बी है लोन एंड हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है सिथना एंड फायर विद इन, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है ये इसका जो सब टाइटल है वो क्या होगा। आइए 16 का कुछ लोग ए बता रहे हैं, आइए देखा जाता है इसका क्या होगा। दोस्तों जो ए है लोन एंड सिथना, ये जो है इसका ओरिजिनल टाइटल है, और इसकी बात करते हैं द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पोयम, ये 12 कैंटोज में है। पूछ सकता है आपसे कि जो पोयम है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये कितने कैंटोज में डिवाइड है, तो आप कह सकते हैं 12 कैंटोज में इसे डिवाइड किया गया था, और ये कंपोज की गई थी 1817 में, इसे कंपोज किया गया था और 1880 में इसे पब्लिश किया गया था, और ये स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है, और इट इज ओरिजिनली पब्लिश विद द टाइटल लोन एंड साइंथना, टाइटल से ये पब्लिश होती है। और एक और नाम है इसका द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी ए विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, इस नाम से भी इसे जाना जाता है कह सकते हैं हम, और इट इज डेडिकेटेड, और इसे उन्होंने डेडिकेट किया है किसे, मैरी शैली को, इसे उन्होंने डेडिकेट किया है, यानी पीवी शैली ने, ये जो उनका वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये उन्होंने अपनी वाइफ मैरी शैली को डेडिकेट किया है। देन ए विल बी द राइट आंसर यहां पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द एंड इज एवरीवेयर आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ टेक रिफ्यूज देयर दिस लाइन्स आर इन, ये लाइन कहां से ली गई है,
द एंड इज एवरीवेयर, अंत हर जगह है, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, लेकिन जो कला है वो अभी भी सत्य है, टेक रिफ्यूज देयर, और इसी की शरण में चलो, इसकी बात करता है। ये जो लाइन है किस वर्क से ली गई है, एर्नॉल्ट्स का जो पोएम है शेक्सपियर उससे ली गई है, एर्नॉल्ट की जो डोबर बीच है उससे ली गई है, और आप सब सी कहते हैं एर्नॉल्ट की जो मेमोरियल वर्सेज है उससे ली गई है, या ननातीज या किसी और वर्क से ली गई है। तो जल्दी से आप इसे कमेंट करके बताइए कि जो लाइन लिखी गई है ये किस वर्क ऑफ आर्ट से ली गई है, आप जल्दी से इसे बताइए। चलिए देखते हैं, 17 का बी बता रहे हैं और सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, ज़्यादातर लोग सी बता रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये जो लाइन थी दी गई थी वहां पे, वो हमारी लाइन है किसमें की मैथ्यू अर्नॉल्ट का जो पोएम है मेमोरियल वर्सेस, उसमें की लाइन है, और कह सकते हैं मैथ्यू अर्नॉल्ट की जो मेमोरियल वर्सेस थी ये एक एलजी है, और ये लिखी गई थी कब, इन अप्रैल 1850 को, और इसमें क्या है लेमेंटेशन किया गया है, एक विलाप किया गया है, लेमेंटेशन द डेथ ऑफ द ग्रेट इंग्लिश नेचर पोएट। अब वो नेचर पोएट कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी इनके बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का जाना दुखद हो गया, और हु डाइड दैट ईयर, और जो कि वो 1850 में ही उनकी डेथ भी हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, और अर्नॉल्ट एम्प्लॉय द ओकेजन ऑफ वर्ड्सवर्थ डेथ, और इसे जो है एक श्रद्धांजलि के तौर पे, जैसे कि एक श्रद्धांजलि दी थी, ट्रिब्यूट किया था उन्होंने इस पोएम को, वर्क इस पोएम को, किसे किसे, जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्हें, और जो दो और ग्रेट पोएट थे गोटे, और जो तीसरे हैं वो हैं लॉर्ड गॉर्डन बैरन, इन तीनों पोएट को ये एक ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि थी हमारी इनके द्वारा, मैथ्यू अर्नॉल्ट के द्वारा। तो यहां पे हमारा सी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, और ये तो आप जानते हैं, एज प्लाई टू वांटन बॉयज सो आर वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, ये किसकी लाइनें हैं, हार्डी क्वेट्स दीज लाइन, हार्डी अपने वर्क में इसे क्वेट करता है इन लाइनों को, लाइन ऑफ शेक्सपियर, और ये विलियम शेक्सपियर के एक वर्क से ली गई है, इन द प्रीफेस, प्रीफेस में इसे हार्डी ने अपने नॉवल में लिखा है, और विच नॉवल इज दिस, आप बताइए ये हार्डी का कौन सा नॉवल है जिसकी प्रीफेस में इन्होंने इस लाइन को लिखा है, काफी फेमस लाइन है कि एज फ्लाई टू वांटन बॉय वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, हार्डी ने इसे किस अपने वर्क में प्रीफेस में लिखा है, और ये लाइनें कहाँ से उन्होंने अडॉप्ट की है, कहाँ से इन लाइनों को लिया है, किस वर्क से, विलियम शेक्सपियर के, बताइए आप कमेंट करके जल्दी से। ठीक है, काफी लोगों ने 18 का सी बताया, लेकिन ये किस वर्क से ली गई है विलियम शेक्सपियर के, कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताइए कि विलियम शेक्सपियर के किस वर्क से इसे अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है, टेकन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से इसे अडॉप्ट किया गया है। अशोक कुमार बता रहे हैं एज यू लाइक इट, ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है टेस्ट में प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन चलिए देखते हैं। कुछ लोगों के आंसर इसमें सही आ रहे हैं, कुछ लोग इसमें टेम्पेस्ट बता रहे हैं, रॉन्ग है। आइए देखते हैं किसमें से लिया गया है। दोस्तों ये जो लाइन थी एज फ्लाई टू वांटन बॉय, ये ली गई है हमारी कहां से, ये ली गई है किंग लियर से, जो कि हमारा विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है, और उसमें एक कैरेक्टर होता है ग्लोकेस्टर, वो इन लाइनों को बोलता है, और इसी लाइनों को जो है हमारे जो थॉमस हार्डी साहब हैं उन्होंने अपने जो वो लिखते हैं नॉवेल टेस्ट ऑफ द अर्बनविल, उसके प्रीफेस में उन्होंने इन लाइनों को रखा है। तो ये क्वेश्चंस तो नहीं आपसे पूछ सकता है कि ये लाइनें किसने अपने वर्क में दिखाई है, लेकिन ये पूछ सकता है कि थॉमस हार्डी ने इस लाइनों को किस वर्क से लिया है विलियम शेक्सपियर के, तो वो हो जाता है हमारा किससे,
किंगलियर से लिया है, जो कि हमारी विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर अपीयर्स इन, ये जो लाइन है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर किसमें से ली गई है, किस वर्क से ली गई है, इसको आप कमेंट करके बताइए। ये है द क्लाउड टू अ स्काईलार्क ओ टू वेस्ट विंड, यानी सैली के वो वर्क लिखे हैं और सैली के किस वर्क से ये ली गई है, कमेंट करके आप जल्दी से बताइए ये पीवी सैली के किस वर्क से ली गई है। चलिए देखते हैं, काफी लोगों के आंसर इसमें सही आ रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, आइए देखा जाता है। दोस्तों ये जो लाइन ली गई है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, ये हमें देखने को मिलती है एक पोयम थी सैली की, नेचर पोयम द क्लाउड, और द क्लाउड ये नेचर पोयम थी पीवी सैली की, और ये लिखी गई थी 1820 में, और क्या है इट इज ए नेचर मीथ, ये क्या है एक प्राकृतिक मीथ है जिसमें दिखाया गया है फ्लॉलेस ब्यूटी, माने ऐसी सुंदरता को दिखाया गया है जिसमें कोई भी कमी ना हो, ऐसी सुंदरता को इसमें इस पोएम में दिखाया गया है। इट प्रेजेंट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए क्लाउड, और इसमें दिखाया गया है किसकी स्टोरी को दिखाया गया है, हिस्ट्री को दिखाया गया है, एक क्लाउड की हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। द क्लाउड ब्रिंग्स, कैसे जो बादल होते हैं वो शेड्स छाया लाते हैं, रेन वर्षा लाते हैं, हेल और स्नो मतलब बर्फ बर्फ लाते हैं, लाइटनिंग मतलब कैसे चमकते हैं, और कैसे वो थंडर मतलब कैसे वो गरजते हैं उसकी बात की गई है। इट स्प्रेड्स एवरीवेयर, इट चेंज बट कैन नॉट डाई, उन्होंने कहा कि ये जो है फैल सकते हैं हर जगह लेकिन ये खत्म नहीं हो सकते, यानी क्लाउड को ही उन्होंने बताया है, तो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए तो आज का अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन रॉबर्ट फ्रॉस्ट से है कि फ्रॉस्ट हैड रिटर्न टू अमेरिका विद हिज फैमिली इन 1913, 1914, 1915 एंड 1917। कल मैंने पूछा था कि कब वो इंग्लैंड गए थे और आज मैंने पूछा है कि कब वो अमेरिका से वापस आए थे, तो कमेंट करके बताइए आप कब वो वापस आए थे, इसमें जल्दी से इसे कमेंट करिए। चलिए आइए देखते हैं, और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों वो जो अमेरिका से वापस आए थे वो हमारा 1915 में वापस आए थे, देखते हैं इन 1950 ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, फ्रॉस्ट रिटर्न टू अमेरिका, वो क्या हुआ वापस आए अमेरिका से, और वहां पे वेयर जहां पे क्या हो रहा था होल्ड्स अमेरिकन एडिशन ऑफ ए बॉयज विल हैड रिसेंटली, ये जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ये पब्लिश हुआ था रिसेंटली, ये वर्क का नाम है होल्ड अमेरिकन एडिशन ऑफ ए बॉयज विल, ये वर्क जो है पब्लिश हुआ था, एंड ब्रॉड ए फार्म, और वहाँ पे उन्होंने एक फार्म हाउस खरीदा, कहाँ पे फ्रेंकोनिया में उन्होंने एक फार्म हाउस खरीदा, और जो कि कहाँ था हमारा न्यू हैम्पशायर में था, वहाँ पे क्या करने लगे वेयर ही लॉन्च ए कैरियर ऑफ, और वहाँ पे उन्होंने अपनी राइटिंग की शुरुआत की, टीचिंग की शुरुआत की एंड लेक्चरिंग की शुरुआत की, यानी अपने कैरियर की वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। तो हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो आए थे 1950 में अमेरिका वापस आए थे, तो यहाँ सी विल बी द राइट आंसर आपका होगा। तो चलिए कैसे क्वेश्चंस लगे आपको, ये आज का सेशन कैसा रहा, हाँ आप लोग सभी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर शेयर कर दीजिए कि किसके कितने क्वेश्चंस सही थे, जल्दी से। और हाँ कल हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार पोएम लेके आएंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसे पढ़ेंगे समरी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, देखेंगे पूरी तरह उसके पोस्टमार्टम को कौन कौन सी चीजें उसमें उसने यूज किया है। चलिए ठीक है, सभी लोग फिर अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल।
अगली क्लास में, और एक अच्छी सी शुरू पोएम लेके ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, तब तक रखिए अपना ख्याल, जय हिंद।